हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग सेशन। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। मैंने टोटल दो ही ट्रेड किए हैं और उसमें आज मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो मैंने करीब करीब पीएनएल में देखेंगे अपन तो 88 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। पर यहाँ पे देखने वाली खास बात है, अगर हम देखें डीएलएफ में मुझे 33 रुपीज का लॉस हुआ है और हिंडालको में मुझे 122 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये क्यों हुआ है, क्या था? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जो रिस्क थी ना, तो मेरी जो रिस्क थी वो मैंने आधी कर दी थी। मतलब मैंने आज पर ट्रेड 50 रुपीज की रिस्क लिया है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग की है दोस्तों। तो अभी आप समझिए कहाँ पे मैं, सबसे पहले चलते हैं अपन चार्ट में। चार्ट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट दिख रहा है। ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, इस पैटर्न को हम क्या करते, जरा आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। पर उससे पहले यहाँ पे देखिए अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट, दो बार, फिर तीन बार, और यहाँ पे फिर मॉर्निंग में खुलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे प्राइस थोड़ा कंसल्ट करता है। अब यहाँ पे एक समझिए, देखिए क्या हो रहा था, मार्केट हमारे ब्रेकआउट लेवल के पास था, पर मॉर्निंग में ये क्या करता है, फर्स्ट कैंडल ये गैप अप ओपन होती है, और गैप अप होने में ये कैंडल फर्स्ट रेड नहीं बनती है, और बाद में ये चल के थोड़ी देर तक क्या करते है, कैंडल कंसोलिडेट करती है अपने जो जो प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली 570 के पास वहां पे ये कंसोलिडेट करती है। अब मैं आपको पूछता हूँ, अगर यहाँ से अगर प्राइस अगर नीचे नहीं जा रहा है, एक बड़ी कैंडल नहीं बन रही है, तो हम इसको ब्रेकआउट फेल नहीं कह सकते, राइट? आप इसको क्या कहेंगे? पर मैं तो इसको ब्रेकआउट फेल नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन बन देखी, और यहाँ पे जैसे ये हैमर बना ना अपने सपोर्ट के पास, मैंने इसके हाई के ऊपर ही मैंने क्या कर लिया, मेरा एंट्री पोजीशन ले ली और लो को मैंने ऐसे लगा लिया। अब जाने के लिए ये देखिएगा आपको 580 के पास तो गया, नहीं मैं इतना बुक नहीं कर पाया। मेरी एंट्री थी दोस्तों 572.5 के पास थी समथिंग, तो मैंने इसमें सिर्फ 1% के मुंह में कैच कर तो लगभग, क्योंकि 1% के बाद जनरली प्राइस में करेक्शन आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे 1% की कैप्चर की है। तो ये 577.2 या 3 के पास था समथिंग, तो वहां पे मैंने मेरी पोजीशन को एग्जिट कर लेता और प्रॉफिट बुक कर देता। अब आते हैं अपन डीएलएफ में। डीएलएफ में अगर हम समझे तो पहले डेली चार्ट में इसको समझते हैं, क्या था ये कैंडल। मैं इसमें एक नया सेटअप ट्राई कर रहा हूँ, जो कि मैंने नया सीखा था, सीखा है अभी अभी, और उस पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, उस पर ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी इसको देखिए, तो ये है डेली कैंडल। अब ये डेली कैंडल देख सकते हैं, अब ये बुलिश कैंडल है, राइट? जैसे ये बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होता है, मैं वहां पे मेरी एंट्री एग्जिट करता हूँ। अब जैसे एंट्री एग्जिट करता हूँ ना, यहाँ पे करता हूँ, कहाँ पे करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली कैंडल दिख रही है आपको, मैं इस कैंडल को मैं एंट्री एग्जिट करता हूँ, और जैसे इसका हाई ब्रेक होता है वहां पे मेरी एंट्री एग्जिट हो जाती है, और लो को मैं ऐसे लगाता हूँ, इसी कैंडल में मेरा ऐसे हिट हो जाता है, और इसमें लॉस में बुक कर लेता हूँ। तो इसमें तो लॉस हुआ है क्लियर कट। तो बस आज सिर्फ दो ही ट्रेड थे, दो ट्रेड में मेरा अगर रिजल्ट देखा जाए तो 88 रुपीज का मुझे प्रॉफिट है। ठीक है, गुड है, अच्छा है, मेरे लिए ठीक ठाक है, चल रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।